अच्छा बनने के लिए तीन चीजें अच्छी चाहिए। एक तो अच्छा शरीर, जिसका शरीर बीमार है वो जीवन में कभी कामयाब। दूसरा दिमाग, तेज चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए तेज, और ये शरीर भी स्वस्थ और दिमाग भी तेज और मेहनत ही ना करे तो अच्छा बन जाएगा। तो सफलता के तीन सूत्र, स्वस्थ शरीर, तेज और कठिन मेहनत, हार्ड वर्क। ये तीन चीजें होनी चाहिए ना, हेल्दी बॉडी, शार्प ब्रेन एंड हार्ड वर्क। तीन चीजें करते हो आप, ये तीन चीजों को मेंटेन रखते हो। तो सबको अपने शरीर को कैसा रखना है, स्वस्थ रखना है, दिमाग को कैसा बनाना है, तेज बनाना है, और मेहनत पूरी करनी है। ये तीन चीजें जो करेंगे वो जीवन में क्या बन जाएंगे, सफल, महान। आप भी रोल मॉडल आइकॉन बन सकते हो। अब देखो, आप लोगों को बैठना भी नहीं आता सबको ठीक से, कैसे बैठना होता है, ऐसे कमर झुका के बैठते, कमर कैसी रहनी चाहिए, सीधी। ये भी बात सीख लो, अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। खाना जल्दी जल्दी खाना चाहिए कि धीरे धीरे, धीरे धीरे। खाना खाते समय मुंह खोल के रखना चाहिए या बंद करके, खाते समय एक बार तो खुलेगा, नहीं तुम अंदर वो ग्रास कैसे जाएगा, लेकिन बाद में ऐसे बंद करके खाना चाहिए। कुछ ना ऐसे मुंह खोल खोल के खाते हैं, फिर कुछ चप चप करके खाते हैं, हैं? सीधे बैठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। सुबह उठ के क्या पीना चाहिए, जो सुबह उठ के पानी पियेंगे उनका कभी पेट खराब, और मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। खाने के एक घंटे बाद पानी पीना चाहिए, खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए, और बहुत गर्मी हो तो आधा घंटे बाद थोड़ा सा पीना चाहिए। खाने के तुरंत बाद पानी पीने से डाइजेशन अच्छा। अब छोटी छोटी बात, दूध के साथ नमक नहीं, दूध के साथ नमक खाने से स्किन डिजीज हो जाती है। दूध के साथ नमक खाने से क्या हो जाती है, इसलिए दूध के साथ, मिल्क के साथ कभी सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। छोटी छोटी बातें, ज्यादा खाना चाहिए या कम खाना चाहिए, बैलेंस, ना ज्यादा ना कम, और धीरे धीरे खाना चाहिए, जल्दी जल्दी। सुबह नाश्ता थोड़ा, दोपहर को खाना, ऐसे हल्का खाना चाहिए। अच्छा बताओ, अच्छा आहार शाकाहार है या मांसाहार? अब देखो, अब इसमें दो तरह की बातें कही जाती है, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो रहे हैं, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो शाकाहार बेहतर है। कुछ लोग अलग अलग तरह का मांस खाते हैं। अच्छा बताओ, किसी को मारना अच्छी बात है या बुरी बात? आदमी को मारना वायलेंस है या नहीं है? वायलेंस है, हिंसा है ना। आदमी को मारना बुरी बात है कि अच्छी बात? किसी जानवर को भी मारना अच्छी बात है कि बुरी बात? तो फिर ये मांस बिना मारे मिल जाता है या मार के मिलता है? तो किसी को मारना अच्छी बात है कि बुरी बात? इसके लिए मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो किसी को मार के मिलता है, और हमको मारे तो अच्छा लगता है कि बुरा? हमको तो कोई मार भी दे ना ऐसे भी, अरे मारना ये भी बुरा लगता है, और कोई हमारा ऐसे चाकू मार दे तो बहुत बुरा लगता है, और जिसको जानवर को मारते हैं तो उसका तो पूरा गला काट देते हैं, पूरा एक एक बूटी बूटी करके काट देते हैं, और तुम्हारी कोई बूटी बूटी करके काटे अच्छा लगेगा? इसका मतलब किसी को बोटी बोटी करके काटना। अच्छा एक और खाते हैं, अंडा। एक बोले, बाबा जी अंडे में तो मुर्गी मरती नहीं है, लेकिन ये अंडा आता कहां से, मुर्गी के आगे से कि पीछे से? और पीछे से कहां से आता है, जहां से लैट्रिन करती है वहां से आता है। लैट्रिन के रास्ते से कोई बढ़िया चीज निकलती है? फिर क्या बोलते हैं लोग, बोलते हैं उसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन नहीं है, मुर्गी की पोटी होता है, फिर भी खाते रहते हैं और प्रोटीन बताते रहते हैं, गू खा रहे।
और उसमें और कैसी कैसी चीजें खाते हैं। साइंटिफिकली क्या है ये? ये है मुर्गी का मेंस्ट्रुएशन। क्या है ये? मुर्गी का मेंस्ट्रुएशन है ये। ओवम, ओवम अंडा है ये, कि मुर्गी का अंडा है। हर एक जानवर में अंडा पैदा होता है उरी के अंदर से, और बस आदमी का अंडा छोटा होता है, इसका बड़ा होता है। ये बहुत खराब चीज है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ना तो आप लोग यहाँ छी छी करने लग जाओगे। बहुत गंदी चीज है। ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं, कोका कोला पेप्सी पीते, कोका कोला पेप्सी के दो ढक्कन लेके जो टॉयलेट बहुत गंदी हो रही हो ना उसमें एक बार डाल के ऐसे घुमा देना, पूरी टॉयलेट साफ हो जाएगी। इसलिए हमने इसको नाम दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या नाम दिया? ठंडा मतलब। तो कोई भी पिए ना तो उसको बोलना है, ए टॉयलेट क्लीनर पी रहे, देखो इतने गंदे है, इनको पता ही नहीं है। क्यों? उसका पीएच वैल्यू बहुत हाई होता है, पीएच वैल्यू बहुत हाई होता है, और अंदर जाकर के फिर बोला जब टॉयलेट साफ करता है तो पेट भी साफ करता होगा। पेट साफ नहीं करता, पेट में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना उनको साफ कर देता है। हमारे हड्डियों के लिए क्या चाहिए? अभी क्या बताया था? कैल्शियम। तो ये कोका कोला पेप्सी थम्सअप पीते हैं ना तो अंदर के कैल्शियम को साफ कर देता है, उससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फिर इसमें शुगर बहुत होता है, उससे हमारा मोटापा बढ़ जाता है। और फिर ऊपर से कोका कोला पेप्सी थम्सअप ये तो पीते ही हैं, और ऊपर से बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खा के बर्बाद हो रहे हैं, पिज्जा खा करके अपनी फिजा खराब कर रहे हैं। जो खराब चीजें हैं खाने वाली वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी, तो अच्छी हेल्दी चीज खानी चाहिए कि अनहेल्दी? हेल्दी चीज खानी चाहिए, सब मानते हो ना? तो आज से सब संकल्प लेके जाएंगे कोई भी कोका कोला और पेप्सी को हाथ, बर्गर पिज्जा, मांस अंडा। अच्छा तंबाकू खाना चाहिए? क्यों? कैंसर होता है, तुमने देखा? क्या तुमको हुआ? तो किसको हुआ? जिसने खाया उसको। क्या सबको होता है? सबको तो नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोगों को होता है या हो सकता है। तो इसलिए आप लोग तंबाकू, बीड़ी सिगरेट, दारू भी, आपके पापा तो नहीं पीते कोई तंबाकू, गुटखा, दारू कुछ नहीं? यदि किसी के पीते भी हो ना तो उनको भी यही बात बताना, दारू मीठी होती है क्या? क्या तुमने पी के देखी जो टेस्ट बता रहे हो? इसका मतलब हमने तो पी के नहीं देखी, लेकिन मैंने जिन लोगों ने पिया उनसे पूछा, भैया इसका स्वाद कैसा होता है? बोले बाबा जी ये इसका स्वाद तो थोड़ा नमकीन नमकीन खारा खारा होता है। मैंने कहा कैसा होता है? बोले पेशाब जैसा होता है। गंदी गंदी चीज पीते रहते हैं, बताओ पेशाब ही पीना है तो अपना पियो, पैसे में लेके क्यों पीते हो? अपना पेशाब पियो तो समुद्र चिकित्सा हो जाती है। सुनो, दारू पीने की चीज, कोका कोला पेप्सी पीने की चीज, बर्गर पिज्जा अच्छी खाने की चीज, यदि खाना भी पड़े कभी बर्गर पिज्जा तो कभी एक दो छह महीने में चार महीने में खा लिया तो कोई बात नहीं, पेप्सी तो एक बार भी, दारू एक बार भी। एक बोले बाबा टेस्ट करके देखने में क्या दिक्कत है? कुछ लोग कहते हैं एक बार सभी चीजें टेस्ट करके देखनी चाहिए। खराब चीज एक बार भी टेस्ट करके देखनी बात समझ में आई? कुछ लोग ना ऐसे ही बहकाते रहते हैं बच्चों को, एक बार टेस्ट करके देख लो बाद में छोड़ देना। कुछ बच्चे ना एक दूसरे को गुटखा देंगे, पान पराग देंगे, क्या क्या नाम रख रखे ना, पान पराग, रजनीगंधा, गणेश गुटखा, गुटखा का नाम गणेश रख दिया, गणेश गुटखा, हनुमान गुटखा, तुलसी गुटखा, गंगा गुटखा,
कितने गंदे गंदे लोग हैं। सुनो, खराब काम एक बार भी क्यों, क्योंकि वो है ही खराब काम। लेकिन और तर्क दो, खराब काम एक बार भी करने से क्या पड़ जाएगी, उसकी आदत। यस, राइट आंसर है। एक बार भी गाली दोगे तो गाली देने की क्या पड़ सकती है, एक बार भी झूठ बोलोगे तो झूठ बोलने की क्या पड़ सकती है, एक बार भी तंबाकू खाओगे तो क्या पड़ सकती है तंबाकू की, एक बार भी दारू पियोगे तो क्या पड़ सकती है दारू पीने की, एक बार भी कोई गलत काम करोगे तो गलत काम करने की क्या पड़ सकती है। ऐसी ये छोटी छोटी बातें, ये आपके CBSE के पाठ्यक्रम में नहीं है, उसमें है भी तो दूसरे ढंग से है। आप कोई मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला टीचर थोड़ी बताएगा ये बात, कोई साइंस पढ़ाने वाला, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला, सोशल साइंस पढ़ाने वाला, हिस्ट्री पढ़ाने वाला अलग अलग बात सिखाएगा। ये है मानव विज्ञान, ह्यूमन साइंस। ये क्या है, ह्यूमन साइंस। ये है स्पिरिचुअल साइंस। ये क्या है, ये है स्पिरिचुअल साइंस। ये है हमारी योग विद्या। क्या है ये, ये है मोरल साइंस। ये क्या है, तो योग सबको करना है और ये अच्छी बातों का सबको ध्यान। तो आपको पहले तो प्राणायाम बताया, फिर आपको आसन आते हैं, आसन आते हैं, कौन कौन से आते हैं, शीर्षासन आता है। आप लोग यहां स्कूल में पढ़ते हो, फीस देनी पड़ती है ना थोड़ी बहुत, तो है? तो मेरी फीस ये है, सुनो, रोज योग करना ही मेरी फीस है। करोगे सब बच्चे, बोलो। यदि रोज योग आप यदि करो ही नहीं तो मेरे सिखाने का कोई मतलब है? तो आप सब बच्चे हाथ उठा के बोलो, सब करेंगे, सब बच्चे बहुत अच्छे, बोलो भारत माता की। जो योग करेगा वो कभी रोगी, कभी बीमार, कभी कमजोर। तो चलो आपको अब योग बता रहे हैं। योग में मैंने बताया, एक तो शीर्षासन क्या करना है, शीर्षासन करने के लिए ना, देखो ये शीर्षासन करने के लिए ना शुरू में दीवार के साथ करना पड़ता है ऐसे। इसका क्या नाम है, शीर्षासन करने वाले का दिमाग तेज रहेगा। दिमाग कैसा रहेगा, आपको भी शार्प ब्रेन चाहिए ना। ये 1 से 2 मिनट कर सकते हैं, कितनी देर कर सकते हैं, ये शीर्षासन है। क्या नाम है इसका, ऐसे बच्चों के लिए फिर 3 और हैं लेट करके। सर्वांगासन क्या है बोलो, दूसरा है हलासन, क्या नाम है, और तीसरा है चक्रासन, क्या नाम है। किस बच्चे को अच्छा आता है, जो करना जानते हैं थोड़ा, आता है, आ जाओ इधर आओ, देखो मैं इसको करा के दिखाता हूं, इधर आ जाओ बेटा, लेट जाओ, कोई भी कर सकता है ना, लेट जाओ और लेट करके लेट जाओ, पैर दोनों उठाओ, दोनों पैर उठाएंगे और दोनों हाथ पीछे कमर के लगा दो। यस, ये सर्वांगासन, बहुत सुंदर किया, जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। ऐसे सर्वांगासन करने से ये देखो बैलेंस बना के रखो बेटा, ठीक है, यस। ये है दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, चेहरे पर लालिमा रहती है, जैसे हमारी बिटिया खूबसूरत ऐसे सब खूबसूरत बन जाएंगे। पैर पीछे टिकाओ, यस, ये हो गया हलासन, दोनों हाथ नीचे ले आओ बेटा, यस। एक बार जोरदार तालियां बजाओ इस गुड़िया के लिए, फिर वापस, और अब चक्रासन करोगे ना, अब चक्रासन करो, हाँ
ये जोरदार तालियां इसके लिए, कितना अच्छा किया इस गुड़िया ने। फिर नीचे आ जाओ, तीन आसन ऐसे लेट के करना, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? कल्पना। शीर्षासन भी आता है, करके दिखाओ। क्या बात है, ये तो बड़ी होशियार लड़की है। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिर वापस आ जाओ। कल्पना, आपको किसने सिखाया? इनके पिताजी करते हैं। तो ये सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन, और खड़े होके ताड़ासन करो बेटा ऐसे। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। फिर नीचे आ जाओ, ऐसे ऐसे नीचे आते समय ना हाथ ऐसे माथे पर, सिर पर, फिर ऐसे उठते समय ऐसे करो करो ये है तो ऐसे। तो कितने आसन हो गए? पांच हो गए ना, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ताड़ासन। फिर बैठ ऐसे खड़े होकर के बच्चे गरुड़ासन भी कर लेते हैं, करता है करने, करो करो करो। एक में पैर दूसरा फंसा दो और हाथ में हाथ, क्या बात है। हाँ ठीक है हो गया ऐसे। फिर ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। फिर आगे झुक के माथा घुटनों से लगा दो। यस, ये बहुत अच्छा किया। तो इससे बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। खड़े होकर के पैर लगाना, इसको पाद हस्तासन कहते हैं। और बैठ जाओ, बैठ के पैर घुटने के सिर लगा दो, इसको पश्चिमोत्तान आसन कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा किया गुड़िया ने। हाँ ऐसे वापस खड़े हो जाओ। शीर्षासन भी आता है आपको? और वो सूर्य नमस्कार आता है, करके दिखाओ। देखो ये सूर्य नमस्कार बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है ना। अभी तो मैं कर रहा था ना, तो मैं करता हूं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि तो बाबा जी तो रोज योग करते हैं ना, ये तो बच्चे भी कर सकते हैं ना। तो बच्ची ने बहुत अच्छा किया कल्पना ने। अभी अगला करेगी, सूर्य नमस्कार करके दिखाओ। ठीक है चलो, ये पहला, फिर दूसरा, ये तीसरा, आगे जी को, क्या बात है। फिर चौथा, यस, पांचवा, पीछे जाओ, हाँ, छः, नीचे नीचे नीचे, सात, उठ जाओ सामने से, ये, फिर आठ, बीच से उठो, नौ, दूसरा पर लाओ, यस, फिर वो दूसरा ले आओ, दस, फिर पीछे ग्यारह और सामने बारह। बहुत सुंदर किया इसने। जो ऐसे सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो कल्पना देखो कितनी हेल्दी है, और पढ़ाई में भी अच्छे नंबर लाती है ना। तो हेल्दी बॉडी, मैंने बोला था ना, स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग, और क्या करनी है तीसरी बात, हार्ड वर्क, मेहनत। ठीक है, तीन काम जो करेंगे वो जिंदगी में क्या होंगे, सफल होंगे, कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एक बार जैसे कल्पना ने किया ऐसे ही सब बच्चों को योग करना। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस बेटी का, बहुत बहुत आशीर्वाद। लो लो तुम्हें इनाम देके भेजते हैं। ये तो च्यवनप्राश है, बाजार में तो नकली च्यवनप्राश बहुत मिलते हैं ना, तो ये केसर वाला असली च्यवनप्राश है कल्पना के लिए। और दूसरा ये बादाम पाक है, बोनविटा, हॉर्लिक्स नहीं है ना, कॉम्प्लॉन नहीं, ये अच्छे चीज खाना। जोरदार ताले गुड़िया के लिए, बहुत आशीर्वाद बेटा, जाओ। ऐसे आप सबको क्या करना है, हर दिन सुबह उठ के योग, सुबह सुबह क्या करना है सबको, जो करेगा योग उसको नहीं होगा कोई, अच्छी बात है ना। ये बात आज आपको बताई, तो सुबह योग की प्रैक्टिस करना, और जो अच्छी अच्छी बात बताई उसका ध्यान रखना। हम भी आपकी तरह, मैंने कहा छोटे बच्चे थे, बाद में तो बड़े हुए, लेकिन हम 9 साल की उम्र से योग करते हैं। कितने साल की उम्र से? जब हम 9 वर्ष के थे तब से हमने योग शुरू कर दिया, और आज तक एक दिन भी योग छोड़ा। तो आज मैंने कितने लोगों को योग सिखा दिया, बहुत लोगों को, आप लोगों को तो सिखा ही दिया। चलो हाथ नीचे कर लो, आपको भी योग सिखाया, और देश दुनिया में कितने लोगों को, करोड़ों लोगों को,
करोड़ों अरबों को सिखा दिया, तो और उससे उनको जीवन में फायदा हुआ ना। तो अच्छे काम करने से हमें लाभ होता है और गलत काम करने से हानि होती है, नुकसान होता है। तो अच्छा काम खुद भी करना चाहिए, औरों को भी कराना चाहिए। तो मैंने सबको योग सिखाया। तो आप सब भी सुबह सुबह क्या करना साहब, योग। अच्छा आपको कितने लोग जानते होंगे, 10, 20, 50, 100, 200, 500, इतने लोग जानते होंगे ना, इससे ज्यादा लोग नहीं जानते ना। आपके स्कूल के बच्चे भी, आपके स्कूल में भी आपके क्लास वाले बच्चे ज्यादा जानते हैं, ठीक है ना। और मुझे कितने लोग जानते हैं, तो करोड़ों लोग क्यों जानते हैं, किसकी वजह से जानते हैं, योग की वजह से। तो इसका मतलब योग करके आदमी फेमस भी हो जाता है ना। तो आप फेमस होना चाहते हो तो भी क्या करो, आप सफल होना चाहते हो तो भी आप क्या करो, अच्छी पढ़ाई पढ़ना चाहते हो तो भी क्या करो, अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो तो भी क्या करो, तेज दिमाग बनाना चाहते हो तो भी आप क्या करो, योग से आपको सब कुछ मिलेगा। और मैंने एग्जाम्पल दिया था किसका, मिट्टी का। जैसे मिट्टी में सब कुछ है, लेकिन उससे कुछ भी फसल पाने के लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनत। क्या करनी पड़ती है, मेहनत। बिना किए मिट्टी से कुछ भी मिलेगा, मिट्टी में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ पाने के लिए क्या करनी पड़ती है। ऐसे ही आपको भी क्या करनी पड़ेगी लाइफ में। तो ऐसे तो आप बहुत अच्छे हैं, और ऐसे तो दुनिया के सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ केंद्रीय विद्यालय के बच्चे तो अच्छे बच्चों में भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपको और बहुत अच्छा बनना है, और अच्छे बन करके अपने इस विद्यालय का, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना। आप कर सकते हो ना, आप बड़े क्यों नहीं बन सकते। मैं भी छोटे से गांव में किसान के घर में पैदा हुआ। किसके घर में पैदा हुआ, किसान के परिवार में पैदा हुआ। मेरे माँ बाप दोनों अनपढ़ है, किसी को अपना नाम भी लिखना आता, कोई एक भी क्लास पढ़ने गए नहीं। तो क्या अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होकर पढ़ लिख सकते हैं ना मेरी तरह से। तो जब मैं अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे से गांव में पैदा होके पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो सकता हूँ, अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अपनी बड़ाई क्या करनी, अपने बच्चों के सामने कोई बड़ाई थोड़ी करते हैं। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, और सरकारी स्कूल, आपका स्कूल तो बहुत अच्छा है, तो ये भी सरकारी, लेकिन ये अच्छा स्कूल है, हमको ऐसे स्कूल में पढ़ने को नहीं मिला था। हमारे वाले स्कूल में तो दो टीचर होते थे, और दो में से भी कभी कभी एक गायब हो जाता था, और वो जो एक रहते भी थे ना, वो कभी कभी बीड़ी पीते रहते थे। फिर बाद में उन्होंने बीड़ी पीना छोड़ दिया, बहुत अच्छे हो गए थे वो भी अभी। लेकिन एक बात बता रहा हूं, सरकारी स्कूल में पढ़े, हमारा क्लासरूम होता था शीशम का पेड़, किसके नीचे बैठ के पढ़े, शीशम के पेड़ के नीचे स्कूल में पढ़े। फिर गुरुकुल में आ गए तो वहां क्लासरूम बन गया बड़का पेड़, किसका पेड़। फिर दूसरे गुरुकुल में पढ़ने गया तो वहां पीपल का पेड़। हम किसके नीचे बैठ के पढ़े, पेड़ के नीचे। आपकी तो स्कूल बिल्डिंग कितनी जबरदस्त है, इतनी बढ़िया आपकी बिल्डिंग, इतने बढ़िया बढ़िया आपके पास में ग्राउंड। तो भाई इतनी अच्छी बिल्डिंग में, इतने अच्छे ग्राउंड में, इतने अच्छे एनवायरमेंट में, इतने बढ़िया बढ़िया आपके टीचर हैं, इतने बढ़िया बढ़िया आपकी मैडम्स हैं साहब। हमें तो एक दो का दर्शन होता था, यहाँ तो इतनी सॉरी मैडम, इतने सारे टीचर्स, इतना सब बढ़िया। आप तो देश नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बच्चे बन सकते हैं, इतना अच्छा एनवायरनमेंट आपको यहां मिल रहा है, अच्छे बच्चे बने। लेकिन अच्छा बनने के लिए मेहनत किसको करनी पड़ेगी, अपने को, खुद को करनी पड़ेगी। अब हमारे स्कूल में मैं ही तो बना ना जो सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, सारे क्यों नहीं बने, क्योंकि सबने मेहनत। तो देखो स्कूल बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मेहनत किसको करनी है, अपने को करनी है, खुद को। तो मेहनत करोगे ना साहब, सच्ची बोलो मेहनत करोगे, और जो आज वादा किया इसको निभाओगे,
पर बाबा जी मेहनत करना तो चाहते हैं, होते नहीं। ये भी कोई बात है, कभी कोई बहाना नहीं बनाना। आप यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो जरूर आगे बढ़ोगे। तो आज इतनी सारी बातें आपको बताई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके प्रिंसिपल सर को, आपके सभी टीचर्स को, और जो हमारी मन संचालिका बहन है जयंती उपाध्याय, ये भी बहुत विदुषी बहन है, जयंती जी के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन हो जाए। तो इन्होंने सब ने, और एक बार पुनः मैं आदरणीय सुमेर जी को और जमील साहब को आमंत्रित करता हूँ। एक बार आदरणीय सुमेर जी का और आदरणीय हमारे जमील अहमद साहब का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जोरदार करतर ध्वनि से। जलील साहब ने बहुत मेहनत की है इस शिविर को आयोजित करने में, और हमारे समीर जी तो ये योगी भी हैं और योद्धा भी हैं। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपके सारगर्भित उद्बोधन, संकल्पों व आसन प्राणायामों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुवर हम अनुग्रहित हुए आपके इस तरह की योगासन देख करके, और आपने मन के निग्रह की जो बात की है महाभारत का संदेश दे करके, कि जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि मन बहुत चंचल है, सिर्फ दो बातों से उसको वश में किया जा सकता है, आज आपने भी बच्चों के सामने ये प्रस्तुत किया। अशंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैरागेन चग्रियते। शिक्षा प्रणाली तभी सफल हो सकती है जब हम सभी अपने मन को अपने निग्रह में रखें, अपने वश में रखें, अभ्यास और वैराग्य के जरिए। दो चीज़ें हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे हमारे श्रद्धेय गुरुजी ने अभी हमको बताया। तो गुरुवर हम सब बहुत अनुग्रहित हैं, हम हमारे शिक्षकगण साथी और बच्चे सारा ये शिक्षक समाज। आपने योग के माध्यम से ही अपनी जड़ी बूटियों से बनी दवाओं से बड़े रोगों को भी ठीक किया है। अथर्ववेद की चरक शुश्रुत परंपरा को भी आगे बढ़ाया है। संपूर्ण विश्व आपका ऋणी है, आपने एक विश्व मंदिर का स्वप्न भी साकार किया है, और इस तरह से स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार कर वास्तव में आपने सच्चे देशभक्त होने का परिचय दिया है। गुरुवर वैदिक संस्कृति को वर्तमान में जीवंत कर वास्तव में आपने भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा की ज्योति जलाई है, ऐसी लगन लगाई है कि घर घर में योगा, सुबह सुबह से टीवी खुल करके योगा होता है। हम सभी आपके जो हैं शिष्य हैं गुरुवर, ये आज हम आपको बता देना चाहते हैं। आज गौरवपूर्ण भारतीय इतिहास को आज हम सही तरीके से जान पाए हैं, और ये जान पाए हैं कि उन्नतिशील समाज दिखावटी मान्यताओं से नहीं पनपता, बल्कि उसके लिए कर्म योगा कर्मशु कौशलम करना होता है। गुरुवर बहुत बहुत धन्यवाद।